जनपद चमोली की दुखद घटना पर सरकार पूरी तरह नजर रखे हुई है। जहां जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री धनसिंह रावत ने चमोली में मिर्चा मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री भी लगातार जिला चिकित्सालय गोपेश्वर और ऋषिकेश के एम्स के ट्रामा सेंटर में चल रहे घायलों की लगातार अपने तंत्र के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं। पीड़ितों के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर दी, तो वही प्रधानमंत्री ने भी पीएम आपदा मद से 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ट्वीट किया है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज चमोली जनपद मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचेंगे। अभी 6 घायलों का उपचार ऋषिकेश एम्स में चल रहा है और 6 घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में चल रहा है। घायल हुए हैं किसी के सेम सिलेक्ट किया गया है, शाम को वहाँ का उपचार मेडिकल की अच्छी व्यवस्था हो रही है, वो व्यवस्था वहाँ पर हो रही है। यहाँ से भी जो लोग अभी एडमिट हैं उनको प्राइमरी तौर पर सभी प्रकार की जो मेडिकल एड किया जा रहा है, इस कर रही है ताकि हम लोग तहत जाएंगे और जो भी मिस्टीरियल जो जाँच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस घटना की पूरी जानकारी ली है और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और राज्य सरकार की तरफ से जो भी मुआवजे से संबंधित हमने आगे की सुविधाएं या अन्य इलाज उन पर किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हर संभव जो इसमें हताहत हुए हैं, पारिवारिक और घायल हुए हैं उनके लिए सभी प्रकार की जो भी इलाज के लिए व्यवस्थाएँ हैं, अन्य व्यवस्थाएँ हैं वो राज्य सरकार की तरफ से। चमोली की घटना हुई, उसमें से 5 घायलों का हमारे जिला हॉस्पिटल में एडमिट हो रखे हैं और मैंने डॉक्टरों से भी बात की, मरीजों से भी बात की। अब मैं ये कह सकता हूँ कि 5 लोग खतरे से बाहर हैं। ये जो पूरी घटना हुई है ये चमोली के इतिहास में एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई है और अब जो 6 लोग एम्स में भी भर्ती हो रखे हैं, मेरे अभी एम्स के डायरेक्टर से भी बात हुई है, डॉक्टरों से भी बात हुई है और वो 6 के 6 लोग भी अब खतरे से बाहर हैं। कल हमारे मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ प्रस्तावित दौरा है, प्रदेश अध्यक्ष जी भी हमारे उनके साथ में आ रहे हैं, सांसद जी भी आ रहे हैं और पूरी सरकार हो चाहे पार्टी हो, इस दुख की घड़ी में हम पूरे लोग उनके साथ खड़े हैं।